नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस एंड फ्लेवर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। दम आलू बनाने के लिए मैंने बेबी पोटैटोज ले लिए हैं जो मार्केट में अभी आसानी से मिल रहे हैं। दम आलू हमेशा छोटे जो आलू होते हैं, बेबी पोटैटो होते हैं, उन्हीं से ही बनाना चाहिए। मैंने इनको बॉईल कर लिया है, एक सीटी से कम ही लगाई हैं क्योंकि ये जल्दी ही गल जाते हैं। बॉईल करने के बाद मैंने इनका छिलका उतार लिया है और इसमें अब हम फोर्क की सहायता से छोटे छोटे छेद कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसके बीच में होल करने हैं सारे, ताकि जो मसाला हम ग्रेवी बनाएंगे वो आसानी से इसमें भर जाए। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सरसों का तेल। इसमें हम सारे ये जो आलू जिनमें होल किए थे इनको डाल देंगे। इस तरीके से देखिए, ये सारे डाल दिए हैं, इनको अब हिला लेंगे थोड़े और गैस पे इनको रहने देंगे जब तक ये गोल्डन कलर में ना आ जाए। उतनी देर में हम अपना ग्रेवी का सामान तैयार कर लेते हैं। मैंने दो मीडियम प्याज ले लिए हैं, उनमें मैंने डाल दी हैं 7-8 कलियाँ लहसुन की, एक मिर्च मैंने काट ली है और एक अदरक का टुकड़ा काट लिया है। उनको कर लेंगे हम ग्राइंड। एक कढ़ाई ले ली है, उसको गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें डाल देंगे हम 3-4 चम्मच तेल के। अब डाल देंगे 1 चम्मच जीरे का, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची डाल लेंगे और डाल देंगे 4-5 काली मिर्च। अब हम इनको हिलाएंगे और भून लेंगे। भूनने के बाद हम ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे, प्याज लहसुन अदरक का, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर गोल्डन में ना हो जाए। मैंने ले लिए हैं 3 टमाटर जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है, अब इनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, इसका भी पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम बनाएंगे मसाले का एक पेस्ट। इसमें डाल दिया है 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दिया है मैंने थोड़ा सा हींग। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। इसको हिलाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे सब मसालों को। इस तरीके से ये पेस्ट बन जाएगा। प्याज का अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम इस पेस्ट को डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसमें डाल देंगे टमाटर, इनको भी भून लेंगे अच्छे से। वही कटोरी ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच दही के। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, तो इसको भी ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब टमाटर भून जाएं तो हम इस दही को डाल देंगे अब टमाटर में, जो मसाला तैयार किया है उसमें डाल लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने से ग्रेवी अच्छे से बनती है, स्मूथ हो जाती है, वो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसे भी पका लेंगे थोड़ी देर। हमारे
जो बेबी पोटैटोज थे वो भी गोल्डन कलर में आ गए हैं। अब गैस कर देंगे बंद और अब हम डाल लेंगे इनको, जो मिक्सचर सारा तैयार कर लिया है उसमें मिला लेंगे अच्छे से इनको भी, ताकि मसाला इनके अंदर आ जाए। दो तीन मिनट इसी तरीके से हमें पकाना है इनको। जब हो जाए तो उसके बाद डाल देंगे थोड़ा पानी। पका लेंगे 1 मिनट तक अच्छे से। अब हमें जितना ग्रेवी बनानी है इनकी उसके हिसाब से पानी डाल लेंगे। नमक डाल देंगे 2 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मिला लेंगे अच्छे से। इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। 5 मिनट बाद खोलेंगे, फिर से चेक कर लेते हैं। हमें इसे टोटली 15 मिनट रखना है और उबालना है इसे अच्छे से। गैस सिम रखनी है। फिर से हमने ढक्कन लगा दिया था, अब खोल रहे हैं इसको, फिर से हिलाएंगे, देखेंगे। ये देखिए अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। गैस बंद कर देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे ऊपर से। मिला लेंगे इनको भी अच्छे से। ये देखिए हमारे दम आलू बन के तैयार हो गए हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।